आई ऑर्डर बर्गर किंग बिकॉज आई थिंक मुझे भूख तो नहीं लग रहा था तब तक, पर राइट नाउ इट्स 12:30 ऑलमोस्ट 12:30 होने वाला है, तो अचानक से पता नहीं मुझे खाने का भी मन किया एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ पढ़ाई वो स्ट्रेस तो नहीं यू वेस्ट नॉट वेस्ट ऑल्सो बट एनर्जी थोड़ा सा जाता है ना पढ़ने में, तो भूख लग गया वरना मुझे लगा आज तक भूख लगेगा ही नहीं. एंड एवरी टाइम यू नो व्हेन आई ऑर्डर फूड आई फील सो लकी इन अ वे कि मतलब होता है ना इवन इफ आई वॉन्ट टू ऑर्डर फूड आई मीन द स्टाफ्स आर देयर मतलब होता है ना लाने के लिए फूड, तो आई नो इट्स अ ड्यूटी वी गेट पेड फॉर इट बट स्टिल यार बिकॉज आई वर्क एज अ क्रू सो आई नो वॉट इट फील्स लाइक बट यू नो आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु वर्क्स ऑड टाइमिंग मेकिंग आवर लाइफ्स मच मोर ईजियर लाइक आई मीन इट वुडन बी पॉसिबल अगर इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड ये कुछ होता नहीं, तो आई नो इट्स अ बेनिफिट ऑल्सो वो कंपनी भी अर्न कर रहा है जब मैं ऑर्डर कर रही हूँ एंड स्टाफ्स आर ऑल्सो गेटिंग पेड स्टिल यू नो आई एम हंग्री घर से वेट लिया दरवाजा के सामने आ गया मच मोर प्रिवलेज आई कैन बी मोर देन दिस. तो मैं हमेशा जब मैं फूड ऑर्डर करती हूँ गेट से बाहर कभी नहीं निकलती हूँ एट नाइट, तो मैंने भैया को बुलाया फिर आ गया, तो दैट्स हाउ आई फेल्ट सेफर ऑल्सो. वैक्सीन करके आज तो वैक्सीन लगाए दर्द हुआ बिकॉज बहुत टाइम हो गया था, मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया तो मैंने किया नहीं था, इधर उधर कराया वराए आज तो करना ही था. गाइज आज का बर्गर बहुत अच्छा है एंड ये ब्लैक ब्लैक देख रही हो डरा हुआ है तो स्मोकी फ्लेवर भी दे रहा है. बाकी लो सोचा था बाहर जाऊंगी पर थोड़ा बारिश भी हो रहा है टाइम भी नहीं वेस्ट हो जाएगा, बाल धोना है गाइस मुझे मेन इंपॉर्टेंट. ऑल्सो मेरा एग्जाम आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट नाउ गाइस पार्ट वन तो मेरे हाथ में है, 100% श्योर हो जाएगा मेरा निकल जाएगा पार्ट वन. पार्ट टू का तो लाइक आई सेड यू कैन से डू आई गो माय सॉफ्ट जेल देखा जाएगा क्या होगा. नाना है आई लव दैट गाइस आईब्रोज भी कैसा हो गया ओह माय गॉड आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट स्ट्रेस्ड आउट आल्सो बस ये ख़त्म करना था तो अभी जल्दी से कर लिया. पास्ट 1 वीक मुझे लग रहा है मेरा नींद ही पूरा नहीं हुआ आँख बर्न कर रहा है गाइस आई एम डन टेकिंग शावर बाल भी धोरी इतना अच्छा लग रहा है ना लास्ट टाइम क्या हुआ मच्छर ओके टारा गाइस दैट डे इज फाइनली हियर. मेरा कैब आने वाला है 1 मिनट में जो था जो आवाज़ कर रहा है पर कोई नहीं अच्छा लग रहा है मुझे तो यूनिफॉर्म की वजह से भी यूनिफॉर्म तो नहीं है मतलब कपड़े की वजह से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे लग रहा है मैं अच्छा लग रही हूँ. कैमरा में फिर भी कैसे कैसा आ रहा है पर कोई नहीं पढ़ाई वढ़ाई में हुआ है सब फाड़ के आऊँगी सी हो गाइस हो इतना जल्दी पहुंच गई ना मैं क्या बोलूँ अब 7:20 हो गया है मैंने सुना है 9:30 में अंदर जाने को मिला और ना इतना गाड़ी में भाई एक तो कॉफ़ी पी के आई थी ऐसे तो मुझे नींद वींद नहीं आया था पर मैं सोचा थोड़ा एनर्जी फील हो जाए बोल के इतना प्यूकिश फील हो रहा है आई थिंक अभी थोड़ा लाइट लग रहा है सी यू बाय. कल एग्ज़ाम था मेरा मैं आप लोग को बोलना भूल गई बिकॉज मैं इतना जन से बात कर रही थी ना दोस्त लोग से मनीष से बाबा से मम्मी से बोलते बोलते मैं आप लोग से बोलना भूल गई. मेरा पेपर क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट तो हो गया भाई तो अभी नहीं आएगा 10-15 डे में आएगा. अच्छा आया है बहुत बट लेट्स सी क्या होता है. थोड़ा मैं एक प्लेट और वो खरीद लिया बिकॉज मैं मुकबांग करती हूँ ना मतलब करूँगी ना तो प्लेट छोटा पड़ रहा था तो एक ही सब्जी वब्जी नहीं आता ये बड़ा वाला है और एक साइड प्लेटर भी खरीद लिया जस्ट इन केस चाहिए तो इसका ही बोल भी था पर मैंने सोचा मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ ना यहाँ पर. हाय गाइस किस लेवल का मुझे गर्मी हो रहा है मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती पर देख ही सकते होंगे पर मैंने थोड़ा वर्कआउट भी कर लिया मेरा खाना वाना पक रहा था अभी खाना पक गया अभी 10 मिनट हो गया पर आई एम योर पापड़ बना रही थी लास्ट बस मेरा कपड़ा
नहीं रहा होगा, डर कर रहा है, 5 मिनट 2 मिनट और फिर सुखा के चले जाऊँगी, फिर आऊँगी। वो बहुत बारिश लग रहा है, बारिश क्यों होने वाला है? मैं नहाते समय लास्ट टाइम भी नहाने गई थी, कपड़ा पूरा भीगा है। होप ऐसा ना हो। वर्कआउट भी खाना पकते पकते साइड पैसा यहीं पर कर लिया, आधा खाना ले लिया आधा यहाँ पर है, अब ले जाऊँगी कपड़े सुखाने के बाद। फिर उसके बाद आज मुझे कपड़ा, मैंने सोचा नहीं है नहाऊँगी, पर मैंने कल थोड़ा वैक्स लगाया था ना पेपर देते समय, थोड़ा चटक चटक करके जाना था, तो सोचा आज ही नहा ही लूँ, क्योंकि परसों ही नहीं आया था मैं बाहर, 3-4 दिन में नहाते, क्योंकि जैसे भी पानी अच्छा नहीं है। ऐसे तो मैंने बाहर का पानी खरीदा हुआ है। लेट्स सी, आईब्रोज मेरा ग्रो हो रहा है अच्छे से, सब ग्रो हो जाए। एंड दैट इज इट यू गाइस, थोड़ा जो मसल था वो भी चला गया है मेरा, अभी इतना कर रही हुआ का, पर इतना इंटेंस भी नहीं, थोड़ा मेंटेन करने के लिए बस इतना हो जाता है। इस तरफ का सारा मेरा कपड़ा है ये, एंड देख रहे हो गाइस ऐसा है दिन, लग रहा है बारिश हो जाएगा। और यहाँ पर 5th फ्लोर भी बनने वाला है गाइस, देखते ही देखते, पर हम भी आगे बढ़ रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं हम ये किए। ये देखिए नीचे, देखिए बस 1 घंटा सूर्यदेव, 1 घंटा काम आ जाए, सूख जाए यार कपड़ा। लास्ट टाइम भी ना क्या किया था कि कपड़ा थोड़ा भीग गया था, थोड़े टाइम के लिए निकाला, फिर आई थिंक उसी दिन मैंने बाहर लगाया, मतलब रूम में, फिर उसके नेक्स्ट दिन ही मतलब घाम आया था, धूप आया था, मतलब बारिश हो रहा था ऑल डे। सूख तो लिया वो कपड़ा, धूप भी आया, पर वो एक दिन ऐसे पड़ा रहा ना, तो ओह माय गॉड इतना स्मेल कर रहा था, मतलब कपड़ा एज इन तुम लगा रहे हो तब इतना स्मेल नहीं करेगा, पर धीरे धीरे मतलब पता कुछ महक आ रहा था गंदा सा, मतलब पता ना वो कैसे बोला, आप लोग को पता ही होगा कपड़ा कैसे कर स्मेल करता है, अगर थोड़ा सूख गया था ऐसे नहीं सूखा, पर एक दिन ऐसे रहा था ना, तो क्या करें, कपड़ा भी नहीं था, एग्ज़ाम था, लास्ट मैंने एग्ज़ाम से पहले धोया था, तो कपड़ा धोने में बहुत टाइम जाता है, यहाँ पर पानी भी आता है, तो ऐसे ही लगाया पता है गाइस। थक गई यार, बहुत काम किया हुआ। Yes, this is legit so irritating, but I have to do this. It's about to rain, thundering हो रहा है, इससे पहले कपड़ा गीला हो जाए और स्मेल आने लगे। I have to उठा लिया guys, मुझे पता था बारिश होगा ना, मुझे लगा what if अभी नहीं हुआ, एटलीस्ट 1 घंटा पहले हो जाए, मुझे दिखा भी नहीं पता है, इसलिए मैं खाने नहीं गई थी, मुझे लगा आधा घंटे बाद वीडियो एडिट कर लूँगी तब तक कपड़ा रुक जाएगा, बारिश होगा तो वो कर लूँगी पूरे, जाते जाते बारिश ही हो गया। आई फिल्म द मुकबांग वीडियो और वीडियो आज लाइट जाएगा, खाते खाते लाइट भी चला जाएगा, यहाँ थोड़ा उजाला आ रहा था ना, देखिए। एनी वेज गाइज, अभी मैं एडिट करूँगी, बैठने बैठने का बंद नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर लिया, पसीना पसीना हो जाएगा सारा, मुझे लग रहा है लाइट आ जाएगा, फिर एक बार जल्दी से नहा लूँगी, फिर कुछ हो पाएगा वरना। अभी आई ऊपर, थोड़े टाइम के लिए सो गई, बिकॉज सो स्लीपी, पता नहीं कितना टाइम के लिए, पर 1 घंटा जितना तो नहीं सोई, वैसे 25-30 मिनट के लिए, दिस साइड ऑफ माई हेड इज पेनिंग, आई डोंट नो व्हाई। मैं आई हूँ वड़ा पाव करने, बिकॉज मैं आई हूँ वड़ा पाव लाने, बिकॉज मुझे आज बहुत टाइम हो गया वड़ा पाव ही खाना, एग्जाम से पहले खाया था, एंड मैं सोच रही हूँ मुकबांग भी कर लूँ, तो 2 दिन 1 तीर 2 शिकार हो गया, एंड अभी न्याय भी नहीं हुआ, एक पता नहीं क्या हो गया, मैं सुबह भी लेट उठी थी, फिर इतना लेजी फील हो रहा था, मनीष से बात करती इधर उधर थोड़ा काम का बात, फिर सर दर्द होने लगा, फिर सो गए, फिर मनीष ने कॉल किया, फिर भी सो गए, मुझे कॉन्शियसली आ रहा था कि ओके मनीष का कॉल है, मुझे उठना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ना भी ये बोल के, फिर भी मैं सो गई। एंड उसके बाद मम्मी का मुझला, फिर मनीष ने कॉल किया, मम्मी ने कॉल किया, तो मैं सोचा छोड़ो उठ लो खुशबू, फिर नहीं शाम को नींद नहीं आएगा रात को, मतलब बोल के उठ गई। एंड यहाँ पर भैया बना रहा है 4 वड़ा पाव तीखा तीखा चटनी के साथ, गाइस पैक्ड वड़ा एंड वड़ा पाव एंड एप्पल, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा लगा, बिकॉज लास्ट वाला कितना अच्छा था, वो भैया ने जो बोला था ना, सच में बहुत अच्छा था, सो जूसी, जैसे बाइक कर रही थी जूस नीचे जा रहा था, ऐसा इतना जूसी था, अच्छा था बहुत। चप्पल लगा के गई थी, मर ही गया होता तो, इतना काट रहा है ना। हाय
गाइस, इग्नोर माय कपड़ा, दिखा देती हूँ आप लोग को। ऐसा पड़ा हुआ है बिकॉज कपड़ा सुखाया था, बारिश हो गया, फिर थोड़ा भीग गया, ये भी थोड़ा भीग गया था, पता नहीं कैसा कैसा स्मेल कर रहा है, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर। एंड आई जस्ट एडिटेड अ वीडियो, इट्स 22:43, 10:45 हो गया है। एंड आज मुझे एक्चुअली बनाना था कि मैंने वीडियो पर, आई डोंट नो व्हाई, अभी एनर्जी आ रहा है थोड़ा, मैं रात को पता नहीं क्यों इतना जग जाती हूँ, शाम को इतना लथार्जिक फील हो रहा था, आई डोंट नो, वड़ा पाव खाने के बाद मुझे थोड़ा एनर्जी आया है, सीरियसली वो ना, मुझे आई थिंक डिहाइड्रेशन भी हो गया, पानी भी इतना पिया मैंने, स्विगी से मंगा लिया एंड मैं अमेजोन का, इग्नोर माई कपड़ा, आप लोग को पता होगा मेरा कपड़ा सूखा नहीं है बिकॉज ऑफ द बारिश, मैंने रामेन मंगाया था, चिप्स बिकॉज ये वाला मुझे बहुत पसंद है, एंड ये पता नहीं क्या है, मैंने खाया तो है पर पता नहीं, ये कुरकुरे का आई थिंक पहले आया होगा पर मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया तो मुझे अच्छा लगता है तो ये भी ऑर्डर किया। और एक चीज़ ऑर्डर किया था गाइस फ्रिज में, इग्नोर द फ्रिज गाइस, मैंने यहाँ से कुछ नहीं खा कि पीनट बटर है, अमूल है, आई नो गंदा है पर ऐसे ही है, ऑर्डर किया था मैंने इसका, बाद में रात को खाऊँगी, अभी तो पढ़ रही हूँ। ये सब देखिए इसे गंदा है, बट इग्नोर, पढ़ाई हो रहा है, थोड़ा बहुत चिप्स भी खा रही हूँ। एंड लुक एट द वेदर, ऐसा है, लुक एट द क्लाउड्स, बारिश, लुक एट द बारिश। मैं ना यहाँ पर खाना बनाने आई थी, आलू पापड़ झोल, आलू काट भी लिया था, प्याज भी काट लिया था, इतना बारिश हो रहा है, ये अभी तो थोड़ा कम होगा, ये सारा अंदर आने लगा, देखिए ये सारा सारा भीगने लगा, यहाँ से पानी जो हो रहा है, तो मैंने सोचा छोरो बोल के रामेन खा रही हूँ, रामेन और नॉगेट जल्दी से, वो भी पानी सारा यहाँ से यहाँ आ रहा है इतना, देखिए अभी तो थोड़ा कम हो गया था, अभी तो और ज़्यादा हो रहा था, इतना आवाज़ कर रहा था ना गाइस, यू वोंट बिलीव, मैंने रामेन खा लिया, जिसे रामेन खाने के लिए बैठ गई, बारिश भी थम गया एंड रामेन खा लिया, अभी तो पूरा ही थम गया बारिश, मुझे लग रहा है ना भगवान बोल रहा था कि बेटा रामेन खरीदा है, रामेन ही खाओ बोल के। 21:53, 10 बजने वाला है एंड मैं अभी नहा के निकली हूँ एंड द वेदर इज़ लाइक सो गुड, मैं अभी लिफ्ट से नहीं चल रही हूँ, लिफ्ट नहीं चल रहा है, इसमें मुझे वर्कआउट करना है, थोड़ा अच्छे से मेरा वर्कआउट हुआ नहीं कितना दिनों से, आज मैं सुबह निकल जाती हूँ, स्वीट बट साइको ये गाना सुन रही हूँ मैं, प्लीज़ मैं अभी पहुँच गई हूँ पार्क में, दिस इज़ द एरिया, लाइक बहुत जन रहते हैं यहाँ पर ये समय में, बच्चे लोग खेल रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पर मीटिंग जैसा रहता है हमेशा, मैंने देखा है वहाँ पर, देख सकते हो बड़े लोग का से बात कर रहे होंगे, अच्छा थोड़ा लेट हो गई मैं, ये तो ट्रीज़ वगैरह की वजह से थोड़ा अंधेरा दिखता है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पर आई विल वॉक फॉर सम टाइम, मे बी 15-20 मिनट्स, फिर उसके बाद दौड़ूँगी 15-20 मिनट के लिए, वही है गाइस, देखिए यहाँ पर पार्क का एरिया भी है, कितना सारे बच्चे हैं यहाँ पर, और वहाँ पर भी है, लुक एट मी, मैं क्या ही बोलूँ ना, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि पसीना देख के क्योंकि मैं कितना दौड़ी, आई रन फॉर 16 मिनट्स स्ट्रेट, पर आई थिंक माई स्टेमिना इज़ गॉन डाउन बिकॉज मैं पहले ना जब मैं चेन्नई में थी 35-40 मिनट्स तो ईजी रन करती थी, वो भी इससे थोड़ा जल्दी, ये तो मैं एंड में करती थी, मैं थक जाती थी, सो प्रीटी मच अंडरस्टूड कि स्टेमिना तो घट गया है पहले से बहुत ज़्यादा, सो आई नीड टू कीप रनिंग, आज 16 मिनट्स में ही मैं थक गई, शायद आई कुड हैव पुश्ड माइसेल्फ टू 18 मिनट्स बट नॉट मोर देन दैट बिकॉज स्टेमिना नीचे चला गया है, सो आई नीड टू कीप रनिंग यार। यहाँ पर देखिए सोसाइटी है, बहुत बड़ा बड़ा है यहाँ पर, जो लगा इन लोग का पार्क होगा ये भी, पर अलाउ करते हैं बाहर के लोग को भी, आई थिंक कॉमन होगा, मुझे वो क्या बोलते हैं उसको कौन गाना है, तो यहाँ पर रुक गई और गर्मी हो रहा है, डूइंग सो नाइस, देखिए ये देख के मैं इतना खुश हो गई, बाबा और मेरा फेवरेट था ये,
कितना खाती थी मैं यार, मेरा फेवरेट। अच्छा है, नमक और नींबू भी डाल दिया ऊपर से। कूल वाटर भी पीने का मन कर रहा है। छोड़ो आज बहुत हो जाएगा। कूल वाटर तो ना मैं 10 पी सकती हूँ, पानी बदले इतना पसंद है। कुछ सब कुछ पसंद है। उफ गाइस खा लिया, 2-3 खा लेती पर कोई नहीं, डाइजेस्ट होने में दिक्कत ही हो जाएगा। जूता से कभी ऐसा नहीं होता था, पर पता नहीं इस बार कैसे ही हो गया। हाँ धो लिया, ये ऐप पर खा रही हूँ क्योंकि देखिए ना थोड़ा दाग वाग लग गया, कल तक बिगड़ जाएगा। फ्रिज भी नहीं है ना, आप लोग को पता ही होगा चोरी होता है मेरा फ्रिज में तो बिगड़ जाता है जल्दी। अच्छा है पर आई थिंक वो वाला और अच्छा रहेगा शायद, दिखने से तो लग रहा है। हाय गाइस, इट्स द करंट डे एंड मैंने सोचा वीडियो ऐसे ही स्टार्ट हो गया था, एनबीए से हो गया तो मैं एंडिंग दे दूँ अच्छे से। आई थिंक मेरा वीडियो और भी लंबा था जहाँ तक आज करंट डे तक का, पर मैं वीडियो बहुत बनाया था पर बस अपडेट ही दिया है आप लोग को, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, पढ़ाई ऐसा होता है। बट आई थिंक कितना जन को अच्छा लगता होगा बिकॉज कितना जन वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहे थे पढ़ाई का टाइमिंग बोलो, पढ़ाई कैसे करते हो वो बोलो बोल के। तो सम माइट नॉट रिलेट बट सम जो स्टूडेंट लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। सो या आई रियली इन्जॉय द वीडियो। जहाँ तक बात किया था कट 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 करके मैं छोटा कर दिया जितना तक हो सके, और एक वीडियो आएगा जहाँ तक आई थिंक पता है एक ही आएगा। एंड तब तक ये वीडियो इन्जॉय करना, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मुझे तो अच्छा लगता है मेरा जर्नी में कैप्चर कर रही हूँ डाल रही हूँ, बाद में देखने बहुत खुश रहेगा, हाँ ऐसा था, ये पेपर क्लियर हुआ था, ओ वो हुआ था, ओ ये हुआ था बोल के। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच इफ यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आज मुझे वीडियो एडिट नहीं करना था एक्चुअली गाइज, पर मेरा डेट का जो है मुझे लगा था नेक्स्ट चार दिन में आ जाएगा, पर 6 दिन में आ गया डेट, तो मुझे लगा थोड़ा एडिटिंग कर ही देते हैं। एनी वेज बाय बाय।